अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बाय निको, इंडियन ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू 2022 का था 183 करोड़। थग इन्विटेशनल सीजन 6 हो रहा है जो फीचर कर रहा है क्राफ्टन का न्यूएस्ट गेम रोड टू वैलर। रिसेंटली सोल के स्टार असॉल्टर गॉबलिन नॉमिनेट हुए हैं एज मोबाइल प्लेयर ऑफ द ईयर। हेलो सलाम नमस्ते, मेरा नाम है मसब जमा ए के ब्लैक बियर 2 OP और गेमिंग हेडशॉट्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मावी, जिन्हें अगर मैं गोट कहूं तो मुझे कोई गलत नहीं कहेगा। मावी बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट असॉल्टर OPIGL एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ई स्पोर्ट्स प्लेयर इन इंडिया, वो बहुत कम स्ट्रीम्स कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, जिस पर किसी ने 8-bit थग से पूछा, फैन ने, कि मावी को ब्रांड डील्स क्यों नहीं मिलती है। तो उस पर थग का कहना था कि अगर एक साल में 10 स्ट्रीम कोई करेगा और कंटेंट भी नहीं बनाएगा तो ब्रांड डील्स कैसे मिलेगी। एक साल में 10 स्ट्रीम करेगा तो ब्रांड डील्स नहीं आते, एंड लाइक द कंटेंट नीड्स टू बी क्रिएटिव, इट्स नॉट ओनली फॉर मावी। वो वाला पॉइंट मावी के लिए था एक साल में 10 स्ट्रीम वाला, बट इन जनरल क्रिएटिव कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नो दैट मावी का ई स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेशन है अभी वो बिल्कुल भी नहीं है, जहां पर वो कंटेंट और स्ट्रीमिंग पर फोकस कर सकते हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो कंटेंट या स्ट्रीम बिल्कुल भी नहीं कर रहे? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बाय निको, इंडियन ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू 2022 का था 183 करोड़। इंडिया 2021-22 में फास्टेस्ट ग्रोइंग गेमिंग इंडस्ट्री में आती है, जहां पर ग्रोथ हुआ है 31.9% का। इंडिया में जो गेमर्स काउंट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड नंबर 2 पे आता है, जहां पर चाइना इस टाइम पे नंबर 1 पर है। जहां पर पीसी और मोबाइल गेम्स को अगर मिला दिया जाए तो 630 मिलियन एक्टिव गेमर्स होंगे 2026 तक। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो एक इंडियन एवरेज गेमर है वो हफ्ते में 14 घंटे गेम खेलता है। आप एक हफ्ते में कितना खेलते हैं वो जरूर से हमें कमेंट में बताएं। थग इन्विटेशनल सीजन 6 हो रहा है जो फीचर कर रहा है क्राफ्टन का न्यूएस्ट गेम रोड टू वैलर। इंडिया के 32 गेमर्स को इनवाइट मिला है इस टूर्नामेंट में। प्राइस पूल है 2 लाख इंडियन रुपीज। ये 3 दिन का इवेंट है जो चालू हो चुका है 10 मई से, खत्म होने वाला है 12 मई को। बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग फॉर्मेट है इस टूर्नामेंट का, इंक्लूडिंग 5 राउंड्स ऑफ इंटेंस गेम प्ले। बहुत नोटेबल मेल एंड फीमेल गेमर्स खेलने वाले हैं इसमें, जैसे कि स्काउट, मावी, काशवी, 8-bit गोल्डी, कृतिका, मर्सी, रेगल टॉस, पायल गेमिंग, माफिया एंड मेनी मोर। लेट्स सी कौन जीतेगा इस टूर्नामेंट को, आपको क्या लगता है जरूर से कमेंट्स में हमें बताएं। जब इंडिया की बात आती है तो हर एक गेमर एक साथ हो जाता है, हमने हमेशा देखा है। रिसेंटली सोल के स्टार असॉल्टर गॉबलिन नॉमिनेट हुए हैं एज मोबाइल प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द इनॉग्रल सीजन ऑफ मोबीज अवार्ड। नियो जो कि गॉडलाइक के BGMI प्लेयर हैं, उन्होंने अपने सारे फैंस एंड व्यूअर्स से अर्ज किया कि सब लोग जाकर वोट करें गॉबलिन के लिए, सो दैट गॉबलिन मोबाइल प्लेयर ऑफ द ईयर बन सके द मोबीज अवार्ड के। अ ग्रेट स्पोर्ट्समैनशिप फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड लाइक नियो। यार 1v1 किसी से भी हारते हो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा, लेकिन कभी सोचा है कि अगर डॉल्फिन्स या सी लायंस से हार गए तो कैसा फील करोगे? US नेवी सिखा रहा है वीडियो गेम्स खेलना सी लायंस और डॉल्फिन्स को। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया है US नेवी ने जिसका नाम है मरीन मैमल प्रोग्राम। नेवी का कहना है कि ये जो गेमिंग सेशंस हैं एक कॉग्निटिव एक्सरसाइज एनरिचमेंट के लिए है। स्पाइक जो कि एक सी लायन का नाम है, जिसने सबसे लास्ट में इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, खेलना शुरू किया था, उसने खत्म कर दिया इस पूरे स्पेशल प्रोग्राम को। सोचो कल को स्पाइक BGMI, फ्री फायर, वैलो, CS:GO या डोटा 2 में आपको हराकर चला गया तो मतलब आप कहां मुंह दिखाने लायक रहेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स, दिस इज समथिंग अनरियल एंड फन। देखते हैं ये डॉल्फिन्स एंड सी लायंस कौन कौन सा गेम खेलने वाले हैं। वॉरजोन मोबाइल के लिए कौन कौन एक्साइटेड है पहले तो वो बताएं, एंड वॉरजोन मोबाइल का जो एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है एक्टिविजन ने उसे चेंज कर दिया है। गेम अब 1 नवंबर 2023 तक देखने को मिल सकता है। कुछ कंट्रीज में लिमिटेड रिलीज जरूर से हुआ था गेम का, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, स्वीडन में लास्ट मंथ। एक्टिविजन का कहना है कि वो गेम को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं बिफोर द फुल लॉन्च, दैट इज ग्लोबल लॉन्च। कमेंट में जरूर से बताएं कि कौन कौन वेट कर रहा है वॉरजोन मोबाइल का। नॉर्थ अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीम सेंटिनल्स रिसेंटली काफी ज्यादा रोस्टर चेंज करते हुए हमने उन्हें देखा है, वो भी इन द मिडल ऑफ BCT अमेरिका। सबसे पहले उन्होंने अपने कोच साइको को रिप्लेस किया, एंड देन मार्व्ड केम इन रिप्लेसिंग टेंस हु वाज इंजर्ड दैट टाइम, एंड नाउ अगेन सेंटिनल्स के जो IGL डेफ है उनको भी हटा दिया गया है, एंड इट इज नाउ कंफर्म दैट टेंस विल बी बैक इन द टीम, इवन दो सेंटिनल्स इज स्ट्रगलिंग इन द टूर्नामेंट एंड वो अब
क्वालिफाई भी नहीं कर सकते फॉर द VCT Americas. दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल द फैंस आउट देयर बिकॉज वी हैक एंड लव टेंस. मशहूर इंडियन गेमर टेक्नो गेमर्स का प्लेएबल कैरेक्टर लॉन्च किया है बैटल स्टार्स ने, डेवलप्ड बाय सुपर गेमिंग. बैटल स्टार्स एक 4v4 शूटर गेम है विच कंसिस्ट ऑफ 14 यूनिक हीरोज एंड टेक्नो गेमर्स इज वन ऑफ देम. टेक्नो गेमर्स का जो कैरेक्टर है टेक्नो के नाम से फीचर किया गया है इस गेम में. उज्जवल ने खुद टीम के साथ जो डेवलपर्स हैं बहुत क्लोजली काम किया है टेक्नो के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए. और हाँ, आप हमें भी बताएं कि ये गेम आपको कैसा लगा. पहले SATUL इन अरीना ऑफ वेलोर, नाउ टेक्नो गेमर इन बैटल स्टार्स. आने वाले दिनों में किस गेमर के ऊपर गेम बन सकता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. वीडियो को जरूर से लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब करें. बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी गेमिंग न्यूज इंडिया टुडे गेमिंग का मिस ना कर पाए. ब्लैक बियर 2 OP साइनिंग ऑफ.